आगरे बेसी जाउतले एबे पहले 2012 के पहले बहुत लोग काम बहुत दूर दूर जाते थे। कितने लोगों को पैसा मिलता था, कितने लोगों को आधा अधूरा पैसा मिलता था, बहुत कष्ट से वो अपना जीविका गुजारते थे। हमें लोक विकास मंच तौर पर लेकिन संगठन आने के बाद हम मनरेगा के बारे में जाने और जो पहले जो बिचौलिया आते थे और आधा अधूरा काम कर कर पैसा खा कर चले जाते थे, लेकिन जब मनरेगा के बारे में मालूम पड़ा कि गांव का मिट्टी गांव में, गांव का लोग गांव में, गांव का पानी भी गांव में, इसी आधार पे ना वो बिचौलियों के साथ वो लड़ाई किए। वर्तमान में हमारे संगठन तरफ हमें लोक विकास मंच के अंतर्गत गांव में बैठक किए और निष्पत्ति लिए कि गांव का जो भी काम आता है हम ही करेंगे। मनरेगा नारे मनरेगा से कुआं काम, रास्ता और जमी मरामती, फील्ड बॉन्डिंग, ये सभी काम करते हुए आ रहे हैं। हमारे सतुरी घर को गोटे खुड़े की 20-30 लोगों को 100 दिन का काम मिला है यहाँ पर, और कितने परिवार हैं जिनको कि 40-45 दिन का काम मिला है। 45 दिन की काम जाको जीआरएस पीओ जो पीओ जीआरएस सभी को नॉलेज में लेते हुए वो काम कर रहे हैं। जो बिचौलियाँ आते थे उनका रेट भी ठीक नहीं था, जो सीमेंट और बालू का मिलाना, जिसके कारण काम पूरा डिमोलिश हो जा रहा था। अभी वो गांव लोग अपने खुद से लेते हैं, इसीलिए वो अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मनरेगा के बारे में जाने और ग्राम योजना विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाए, हम फील्ड बॉन्डिंग, लैंड लेवलिंग और रोड कंस्ट्रक्शन, इसका अनुमोदन के लिए ग्राम सभा पुलिस सभा में दिए और काम किए। पहले जो बिचौलिया थे आधा अधूरा काम कर कर भी पूरा काम कंप्लीशन दिखा कर बिल उठा देते थे जल्दी, और जल्दी पैसा मिल जाता था उनको। लेकिन अभी जब गांव लोग अपने ओनरशिप खुद ले रहे हैं, काम में विभिन्न प्रकार की अड़चने लाकर उसको बहुत लेट कर देते हैं पेमेंट करने में। लोक विकास मंच रावलीगुड़ा का जो संघर्ष चलो के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी भी जारी है।